आज हम बात करेंगे शिवायनु के बारे में और शिवायनु को लेके एक जो क्वेश्चन सबसे बड़ा क्वेश्चन है आज की डेट में और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है। अगला बुलरन आ रहा है नो डाउट, लेकिन अगले बुलरन में शिवायनु क्या टारगेट हिट कर सकता है और क्या शिवायनु एक रुपए का जो लेवल है वो हिट कर सकता है या नहीं कर सकता है। जी हाँ, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और कितने परसेंट चांसेस हैं शिवायनु के कि वो 1 रुपी का जो लेवल है अगले बुलरन में हमको दिखा दे, है ना, दिखा सकता है या नहीं दिखा सकता, और कितने परसेंट चांसेस हैं कि 1 रुपी का नज़ारा भी अगले बुलरन में देखने को मिल जाए। देखो, सब चीज़ें मैटर करती हैं, बुलरन कितना बड़ा होगा, ठीक है, बिटकॉइन के कितने बड़े टारगेट लगेंगे। अगर बिटकॉइन 1.5 लाख या 2 लाख डॉलर तक, कहते हैं ना कि बस लग गया, अब नया ऑल टाइम हाई, अब और ऊपर नहीं जाएगा, तो सिचुएशन डिपेंड करती है बिटकॉइन के रंग ढंग के ऊपर, ठीक है। अगर यही बिटकॉइन का बुलरन अच्छा खासा और बड़ा बुलरन होता है, ठीक है, जो कहते हैं ना कि एक्सपेक्टेड से भी ज़्यादा हो जाए या अनएक्सपेक्टेड से भी ज़्यादा हो जाए, क्योंकि 1 लाख डॉलर तो हिट कर लेगा बिटकॉइन, 1.5 लाख भी कर लेगा, लेकिन क्या 2 लाख 3 लाख या 5 लाख तक भी रेंज जा सकती है बिटकॉइन की? और अगर 5 लाख तक रेंज जाती है तो वो एक बड़ा बुलरन माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आज की डेट में बिटकॉइन 30,000 के करीब चल रहा है और 70,000 का बिटकॉइन ने ऑलरेडी हाई लगा रखा है, $70,000 का। अब अगर बिटकॉइन एक बड़ा अपना हाई लगाता है बुलरन के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा और अच्छा नज़ारा हो सकता है बाकी क्रिप्टो करेंसीज के लिए, क्योंकि सब किसके भरोसे हैं, सब किसके भरोसे चलेंगी, बिटकॉइन के भरोसे चलेंगी। बिटकॉइन का मूव ही कहीं ना कहीं बहुत सारे क्रिप्टो को चांद पे लेके जाने वाला है और शिवायनु का भी कुछ ऐसा ही सीन रहने वाला है। नो डाउट शिवायनु भी आपको पंप करता हुआ दिखेगा, लेकिन आज की डेट में जो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, उनका टारगेट 1 डॉलर का भी नहीं है, ठीक है, 1 डॉलर एक बहुत बड़ा लेवल है। जैसा मैंने कहा कि अब बुलरन कैसा होगा, छोटा होगा, ठीक ठाक होगा या बड़ा होगा, तो उसी हिसाब से मार्केट चलने वाला है, उसी हिसाब से बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज परफॉर्म करके दिखाने वाली हैं। तो शिवायनु का भी 1 डॉलर का बैरियर हम साइड करते हैं, क्योंकि 1 डॉलर जाने के लिए भी हमको 1 रुपी देखना पड़ेगा, और 1 रुपी का लेवल शिवायनु अगले बुलरन में, अगर हम पॉसिबिलिटीज की बात करें, अभी जो करंट प्राइस है शिवायनु का इंडियन रुपीज की बात कर लेते हैं, 3-0 है इंडियन रुपीज में, 5-0 है डॉलर में, 1-0 फालतू की ऐड कर रखी है शिवायनु ने, जो कभी भी जल्दी ही हम किल होते हुए देख सकते हैं, ठीक है, मतलब 1-0 के किल के करीब है, और उसके बाद बचेंगी 4-0 डॉलर्स में और 2-0 बचेंगी इंडियन रुपीज में। अब 2-0 है तो बहुत कम, लेकिन क्या ये किल हो पाएंगी? लेकिन अगर हम देखें पॉसिबिलिटीज हैं, अगर एक बड़ा बुलरन हम देखेंगे तो 1 रुपए वाला जो नज़ारा है वो शिवायनु हमको दिखा सकता है अगले बुलरन में, और इसकी जो पॉसिबिलिटीज है, इसका जो परसेंटेज है ना, क्योंकि परसेंटेज की बात करेंगे, कितने परसेंट पॉसिबिलिटीज है शिवायनु की 1 रुपी जाने की, तो अगर मेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से देखें शिवायनु का, और जैसा हमने डिस्कस किया कि बुलरन कितना बड़ा होगा और बिटकॉइन का क्या कुछ सिनेरियो रहेगा, तो अगर बुलरन बड़ा हुआ तो 1 रुपी हिट हो सकता है शिवायनु का, अगर बुलरन ठीक ठाक भी रहा तो 1 रुपी के करीब जरूर पहुंच जाएंगे, ठीक ठाक भी रहा तो। लेकिन अगर कहते ना कि बस 1 लाख डॉलर की रेंज दिखाई या 1.5 लाख की दिखाई, 70,000 से अगर डबल भी होगा बिटकॉइन, तो 1,50,000 डॉलर लगा के चलिए, ठीक है, 1,40,000-50,000 डॉलर की रेंज डबल हो जाएगी 70,000 डॉलर से। और जिस तरह की बिटकॉइन की साइकिल रही है, बिटकॉइन को जाना तो 2-3 लाख डॉलर तक ही चाहिए, ठीक है, 2 से 3 लाख की डॉलर की जो रेंज है, अगर उतना बिटकॉइन जाता है तो 1 रुपी हिट हो भी सकता है, नहीं हुआ तो 1 रुपी के करीब जा सकते हैं, ठीक है। और हम अगर चांसेस की बात करें तो आप 70% चांसेस लेके चल सकते हो कि शिवायनु 1 रुपी हिट कर सकता है, ठीक है। अगर 30% कुछ सिनेरियो ऐसा बनता है या कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर, ठीक है, अगर कुछ सिनेरियो बिगड़ता है या बिटकॉइन का कुछ ज़्यादा बड़ा हाई नहीं लगता है, तो मे बी वो 30% आपको शिवायनु
₹1 हिट होता हुआ ना भी दिखे। तो थोड़ा सा वेट कीजिए अगले बुलरन का, सब चीजें क्लियर होंगी अगले बुलरन में और कितने बड़े हाई लगेंगे बिटकॉइन के, क्योंकि जितना बड़ा हाई होगा बिटकॉइन का उतना बड़ा नज़ारा बहुत सारे क्रिप्टो का रहेगा। ठीक है, क्योंकि डिपेंड करता है जिस तरह की चीज़ें 2023 में हो रही हैं। बिटकॉइन ETF की बात करें, US के बैंक डूबे, US डॉलर भी अगर गिरा जिस तरह, उसको भी एक तरह से अलग थलग करने की तैयारी है। तो ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़ा बुलरन भी लेके आ सकती हैं। ठीक है, और एक टाइम भी ऐसा चल रहा है जब हम काफ़ी टाइम के बाद, जो 2021 के बाद अब जाके जो ये बुलरन आने वाला है, और ऐसा टाइम है जहाँ पे आप देखो यूएस के अंदर बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है यूएस के अंदर, सारे गेम यूएस से हो रहे हैं। FOMC के इंटरेस्ट रेट कम हो गए, जो CPI डेटा आता है वो कम हो गया, तो ये सारे मिलके क्या कितना इम्पैक्ट डालेंगे अगले बुलरन में बिटकॉइन के ऊपर, क्योंकि जितना बड़ा बिटकॉइन का, ठीक है एक चीज आप समझ लो, जितना बड़ा बिटकॉइन का बुलरन होगा, जितना बड़ा बिटकॉइन का हाई लगेगा, क्योंकि बिटकॉइन की हालविंग है अगले साल, उतने बड़े नज़ारे बहुत सारे क्रिप्टो में दिखेंगे ही दिखेंगे। ठीक है, ठीक ठाक बुलरन रहा तो ठीक ठाक नज़ारे, बड़ा रहा तो बड़े नज़ारे, बड़े से भी बड़े हो सकते हैं, और अगर छोटा बुलरन रहा, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है कि छोटा बुलरन आए, ठीक है तो छोटे बुलरन की उम्मीद नहीं है यहाँ पे, इतना भी मत घबराइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं बुलरन का, और काफ़ी टाइम से चाहते हैं कि कुछ ना कुछ बड़े नज़ारे दिखें, क्योंकि काफ़ी टाइम से क्रिप्टो होल्ड करके बैठे हैं। 2021-2022 में जब लो प्राइसेस चल रहे थे, बहुत सारे लोगों ने वहाँ समझदारी दिखाई, वहाँ से खरीद रखा है लो प्राइस के ऊपर, वो अभी भी प्रॉफिट में है। ठीक है, लेकिन देखो रिजल्ट तभी मिलता है जब आप क्रिप्टो को होल्ड करते हो, क्रिप्टो को होल्ड करना पड़ेगा। अगर आपको करोड़पति भी बनना है, मिलियनेयर भी बनना है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्रिप्टो मार्केट में एक सही टाइम पे क्रिप्टो में पैसा जाना और उसको सही टाइम तक होल्ड करना, और उसको सही टाइम पे बेच भी देना, सही टाइम पे उसकी सेलिंग कर देना, तभी आप जो है अच्छे रिजल्ट पा सकते हो। अगर आप होल्ड नहीं कर सकते तो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल सकते क्रिप्टो मार्केट के अंदर। वो कहते हैं ना कि जो होल्ड नहीं कर सकता वो करोड़पति नहीं बन सकता क्रिप्टो के अंदर, ये पॉसिबिलिटीज बहुत 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 कम है उनके लिए जो क्रिप्टो को होल्ड करना जानते ही नहीं है या जिनको होल्ड करना आता ही नहीं है। ठीक है, तो बस 2025 जब तक बिटकॉइन का नया हाई नहीं लगता तब तक आपको अपनी तैयारी करनी है, और अच्छा पोर्टफोलियो आप तैयार कीजिए, और ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छा खासा पैसा मार्केट में डालो, नहीं ज़रूरी नहीं है, कम पैसे में भी अगर आप एक सही स्ट्रेटजी बनाओगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, तो बाकी जो अपडेट रहेंगे बुलरन को लेके, शिबा इनू के लेवल्स को लेके, और वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपके क्या व्यूज़ हैं कि अगले बुलरन में शिबा इनू ₹1 जाएगा नहीं जाएगा, आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या कुछ हो सकता है, आपके क्या स्ट्रेटजी है शिबा इनू को लेके। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन कोई भी सवाल है पूछ सकते हैं, और किसी भी क्रिप्टो में पैसा डाल रहे हैं तो रिसर्च बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।